हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये कैंडलवैक्स रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ बातें जैसे आपके लिए हो, कुछ बातें बिल्कुल नहीं हो, कुछ कुछ बातें आपके लिए हो। तो जो भी हैं, जो पॉजिटिव हैं, चीज़ों को ही एब्जॉर्ब करना है, निगेटिव चीज़ों को बिल्कुल सुन के सुना करना है, ठीक है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। आपको शायद कैमरा में नज़र आए ना आए, बट जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, जिस तरह से मेरे हाथ कांप रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अचानक से डेवलप हुई है। काफ़ी अरसे से अपने आप को संभालने की, अपने आप को लाइक ना अपने कामों में बिजी रहने की वगैरह सब कोशिश चल रही थी, बट अचानक से ये जो फुल मून गया है ना, उसके जस्ट आने से पहले से ही और उसकी बाद से ही आपकी एनर्जी में अजीब सी एंग्जाइटी है, अजीब सी इनसिक्योरिटीज़ है और अजीब सा डर है। डर, गुस्सा, तकलीफ, हर चीज़ है ना, इमोशंस आपके ना एकदम हैवी हो रहे हैं, एकदम ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी फील हो रही है ना, बहुत ज़्यादा एकदम जैसे ना कांप रहे हैं आप, गुस्से से है, तकलीफ़ से हो, जैसे कोई तड़प तड़प के रो रहा हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है अचानक से। ऐसा लगता है कि आप ना थक गए हो इंतज़ार के चलते, बहुत ज़्यादा थक गए अभी, मतलब आप क्या उम्मीद रखें या क्या मांगे या क्या मैनिफेस्ट करें, कभी कभी आपको खुद नहीं पता। हालांकि आपको पता है अंदर ही अंदर में कि आप इंसान से यूनियन चाहते हो, आप उसे मिलना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो, और ख़ास करके ना आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, और जिसे आप देते ही गए हो तभी आप इंतज़ार करते ही रह रहे हो। आपको कभी कभी पता है कि कुछ हो नहीं सकता या कभी होगा, क्या होगा पता नहीं, बट समाओ आप इस इंसान से इतना प्यार करते हो, इतना कनेक्टेड फील करते हो, तो कि आपको ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि आखिर ये रिश्ता क्या है, क्यों आप इस इंसान के लिए इतना पागल हो, कितनी मतलब आपके लाइफ में आप कितनी मतलब सक्सेसफुल है या फिर कितने प्रैक्टिकल है, कितना टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये इंसान जैसे आपको खाली करता है या अधूरा करता है। पॉसिबल है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान आपका सोल कनेक्शन है। यस, सोल कनेक्शन है, और ख़ास करके ऐसा लगा कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे ना वो ट्रिगर कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं। जितना आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है ना, उतना ही पेशेंस लेवल चेक किया जाता है, और ये इंसान बस ये जो कर रहा है, बट इसके पीछे एक्चुअली हाथ यूनिवर्स का है। यूनिवर्स आपका पेशेंस चेक करी, यूनिवर्स आपको परेशान करी है ताकि आप अपने आप को समझो, अपने आप को ध्यान दे दो, अपने आप से प्यार करो। सबसे बड़ी चीज़ अपने आप से करो, क्योंकि आप देने में इतना, स्पेशली इस इंसान को देने में इतना मतलब खाली हो जाते हो, खाली हो चुके हो कि आपने अपने लिए कुछ बचाया नहीं है। यूनिवर्स वो चीज़ें वापस चाहती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये इंसान है ना, वो जैसे ना आपके अपोजिट वाला चीज़ है, लाइक ना ऐसा नहीं कि ये इंसान के बारे में प्यार नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा है, सोल टू सोल है, बट उल्टा बिहेव करता है।
जितना आप कमिटेड फील करते हो, कमिटमेंट में बिलीव करते हो, ये इंसान उतना ही कमिटमेंट से दूर भागता है। आप अनब्लॉक चाहते हो, वो ब्लॉक करते हैं। आप स्ट्रांग हो, वो वीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर है। अगर सिक्योरिटी की बात करें ना, तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर, मतलब इनके बारे में लाइक ना, आप कितनी भी टाइप की सिक्योरिटी, लाइक कुछ भी हो जाए, आप इनके लिए खड़े हो जाएंगे, इनके साथ खड़े हो जाएंगे, लाइक इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे, उनके उनका साथ देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो जाए ना, लाइक इनकी तरफ से ऐसा उम्मीद रखी जाए, तो कभी भी भाग सकते हैं। यस, ये बहुत इंसान जो भी है, मेल हो फीमेल जो भी है, एकदम अजीब सा डरा हुआ इंसान है, अजीब सा डरा हुआ, इनसिक्योर है। पॉसिबल है कि इनके कोई कार्मिक साइकिल पेंडिंग है, या फिर पास कनेक्शंस, पास लाइफ कुछ तो है, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पेंडिंग दिख रहे हैं। इनकी इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये दिखाते नहीं है, दिखाते उल्टा है कि ये इगोस्टिक है, इनमें ईगो कूट कूट के भरा है, सॉरी इनको कहना नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा मनचले है वगैरह सब, क्योंकि इनका ना ये है ना, चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, या फिर बोले ना नसीब से ही, इनके आसपास ऐसा चार्म है, या तो ये दिखने में सुंदर है, या तो इनकी बातें ही ऐसी है, या इनका ऑरा ही ऐसा है ना, कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा है कि इनके पास अट्रैक्शन वाले लोगों की कमी नहीं है, अट्रैक्शन वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सच्चे प्यार की, और इसी चीज़ पे बिलीव करना बहुत इनके लिए मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है ना कि इनको किसी से प्यार हो गया, इनको ये पसंद आ गया है, ये पसंद सच्चा है करें, लेकिन उसी जगह पे ये धोखा खा चुके हैं, रिसेंटली खा चुके हैं। जिस इंसान पे, जिस दोस्त पे, जिस कलीग पे, जिस प्यार पे, सो कॉल्ड प्यार, ये जिनसे करते हैं या हो सकता है मैरिड हो, ये जो भी है, उसी वहाँ पे ये धोखा खा चुके हैं। उनको वो नहीं मिला है जो आपसे मिलता है। एक्चुअली उनको खुद को नहीं पता कि उनको चाहिए क्या ज़िंदगी में। उनके लाइफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और जीने का नाम है, बस जीना है। लेकिन काफ़ी हद तक ये सोच है ना उनकी बदल रही है, क्योंकि चाहे ना ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हो रहा है, ज़िंदगी में ऐसे कुछ बदलाव हो रहे हैं ना, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो रहे हैं, कि सोचने पे इंसान मजबूर है कि आखिर चाहिए क्या, आखिर ये इंसान सच्चा है झूठा है, सब चीज़ समझ नहीं आ रही। और सबसे बड़ी चीज़ तो उनको आप समझ नहीं आ रहे। इंटरेस्टिंग है कि आप समझ नहीं आ रहे, ऐसे कैसे कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है, क्या सच में ये ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि इनके लिए कैसे ना हो सकता है कि ये इन्होंने काफ़ी रिलेशन ट्राई किए हो, इनको सामने से बहुत सारे प्रपोजल्स आए हो वगैरह सब चीज़ है, तो इनको दुनिया में रिश्तों की कमी नहीं है ऐसा लगता है। पेरेंट्स भी है, ये है, सब कुछ है, बट जो सच्चे प्यार की कमी है ना, वो उनको ही पता है, अंदर ही अंदर सोल को पता है कि भाई सच्चा प्यार अलग ही चीज़ होती है, वैसे नहीं होता, या फिर इन्होंने जो सोचा था, जो ये मेरा सच्चा प्यार है, वो ऐसा नहीं है, मतलब वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोच ही बदल रही है। अगर आप पूछे कि ये क्या इंसान मुझसे प्यार करता है, तो हाँ ज़रूर करता है। क्या ये इंसान मुझे याद करता है? ज़रूर याद करता है, लेकिन क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर है, मतलब इस इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ये काम और प्रैक्टिकल लाइफ का नहीं है, ये इंसान को ना इमोशनली अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लिटिल नहीं है, वो इतनी ताकत उसमें है नहीं, क्योंकि ये जो ताकत होती है ना प्यार करने वाले में ही होती है, जो सैक्रिफाइस या गिविंग नेचर वाले होते हैं ना, उनमें जो आप ताकत है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा है वो मेरा ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो एक कमिटमेंट कर ले, 10 कमिटमेंट कर ले, एक शादी कर ले, 10 शादियां कर ले, जो इंसान है वो मेरे से प्यार करता है, वो जो एक यकीन है ना, वो प्यार ही दे सकता है, वो यूनिवर्स की तरफ से आता है। और बस ये है, आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसे प्लीज़ टैकल करें, क्योंकि ये इंसान जितना अपने लाइफ में इनसिक्योर हो रहा है,
उतनी ही वो एनर्जी आपके ऊपर थ्रो कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि दुनिया में अगर इनका कोई एक है ना फैन फैन है, कोई अपना है या कोई सच्चा प्यार करने वाला है, वो आप ही हो, आप ही हो। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये आपको ना खोना नहीं चाहते किसी भी रीजन, क्योंकि होता है ना कभी कभी डर लगता है कि अगर इस इंसान से शादी हो जाए तो खो देंगे, इस इंसान से अगर और करीब आ जाए तो खो देंगे, मतलब एक रहता है कि किसी किसी के ना लाइफ में मन में ना डर बैठ जाता है, वहम बैठ जाता है कि जो मेरे से करीब आता है वो उसे कुछ हो जाता है, वो उससे मैं दूर हो जाता हूँ या दूर हो जाती हूँ, अगर ऐसा कुछ अजीब सा ना एक वहम हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। इस इंसान को ना कुछ तो ऐसा डर बैठ गया है दिमाग में कि शायद ये पर्सन मेरे नसीब में नहीं है, तो वो दूर से ही सही लेकिन आपके एनर्जेटिकली क्लोज रहने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिकली क्लोज रहने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि शायद अगर मैं पास में जाऊं तो मैं इसे खो दूंगा, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशस है, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं मिलती, ऐसे ही कोई नहीं मिलता, इतना सब कुछ करने वाला और इतना हद से प्यार करने वाला, बेहद प्यार करने वाला, ऐसा ही नहीं मिलता। स्कॉर्पियो साइन हो सकता है इनका, एरीज हो सकता है, और टू नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर है, मुझे 2 डेज़ की एनर्जी, 2 वीक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी है, हैवी दोनों के भी, दोनों के भी। इंटरेस्टिंग है कि मुझे ना लिटरली आप है ना रोते हुए दिख रहे हैं, रोते हुए, अजीब सा एकदम एंग्जाइटी फील हो रही है, शूज दिख रहे हैं, मतलब कोई 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 किधर जाने की कोशिश में है, कोई जाने की कोशिश में है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी है, हैवी है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पे गए। सो मैंने जैसे कहा था ना कि क्या ये इंसान आपको याद करता है, ज़रूर याद करता है, ज़रूर याद करता है, और बहुत बेदर्द से, मतलब इतना स्ट्रांग याद करता है कि आप खुद बिलीव नहीं करते कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक इनसे सीखनी चाहिए, ऐसे वाला याद करता है बहुत ज़्यादा। सो ये इंसान अपनी लाइफ में, मैंने जैसे कहा ना, एक कुछ लेसन सीख रहा है, एक चीज़ होती है कि लेसन सामने होते हैं, लोग समझ नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है कि लाइफ का फेज़ है, चलो ये भी निकल जाएगा, लाइफ का फेज़ होता है लेकिन उसका एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कुछ सीखना होता है उससे, वो सीखने जब सीखते नहीं है ना तो लोग वही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, तो वो चीज़ है। ये फिलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, क्योंकि उनको ना रास्ता नहीं मिल रहा है ये सिचुएशन से बाहर निकलने का, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा क्या होगा, ये आपकी तरफ है ना आना तो चाहते हैं लेकिन भाग रहे, लेकिन इमोशन से भाग रहे, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हाँ मैं इसे प्यार करता हूँ। और जैसे मैंने कहा ना कि ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बोलते ना किसी के पास से ना जैसे कोई खजाना हो, एक चीज़ हो, लेकिन स्टेबिलिटी नाम की चीज़ है वो आपसे है, प्यार नाम की चीज़ है वो आपसे है, तो वो चीज़ उनको पता है कि ये आपसे ही मिल सकता, मतलब एक यकीन से, 100% यकीन से अगर किसी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है वो आप हो सकते हो, लेकिन आप ही हो, लेकिन अगर उल्टा करे तो बिल्कुल नहीं है, तो ये जो चीज़ें ना खुद को ही ज़्यादा मतलब इनसिक्योर करती हैं, ये अभी फ़िलहाल ऐसे एकदम
एक्चुअली देखा जाए तो किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे जो फील हुआ ना किंग एंड क्वीन पेंटिकल्स की, एक स्टेबिलिटी वाइज आप लोग का मैच होना, लाइक अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि आप लोग का मिलन हो, क्योंकि जैसे फील हुआ कि एक दूसरे के लिए ही बने हो, मेड फॉर इच अदर. इट्स लाइक ना ये ऐसा डिवाइन कनेक्शन की बात नहीं, सोल टू सोल कनेक्शन ऐसा है ना कि एक दूसरे को ना इस कदर खींच रहे हो ना कि ज़बरदस्त है, मतलब वो खींचा तो. और दोनों भी एक दूसरे की तरफ है ना स्टेबिलिटी चाहते हो, ये अपनी तरफ से आपको सिक्योर करे और ये चाहते कि आप अपनी तरफ से इनको सिक्योर करें. सो चीज़ें इनकी तरफ से ही रुकी हुई है और इनकी तरफ से ही ठीक होंगी, इनकी तरफ से ही ठीक होगी. अट्रैक्शन इनके लिए, अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन इनकी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा है और वही चीज़ें आपको ट्रिगर करी है. इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश पूरी तरह से करें, पूरी तरह से. सो सेंड देम लव वाइब्रेशंस, ये चीज़ ही आप लोग को मिलेगी. और आपकी तरफ इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.